गाइज वेलकम बैक टू सिविल डिज़ाइन। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट चैनल फॉर सिविल इंजीनियर्स। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम देखेंगे बिल्डिंग एस्टिमेशन एंड कॉस्ट शीट, क्वांटिटी शीट के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हो गाइज, जो भी बिल्डिंग का एस्टिमेट है वो आज हम डिटेल में देखने वाले हैं। पूरा बिल्डिंग में जो भी फुटिंग टू हर एक वर्किंग होता है उसके बारे में हम आज डिटेल में डिस्कस करने वाले गाइज। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है आज का गाइस। वीडियो ध्यान से देखना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। आपने अगर हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को, तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी है, अगर आप चाहे तो उसे ज्वाइन कर सकते हो गाइस। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम बिल्डिंग के पूरे एस्टिमेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। हर कोई बिल्डिंग का एस्टिमेशन होता है, हमारा G+2 स्टोरी बिल्डिंग है गाइस। आप देख सकते हो इसमें हर एक चीज़ यहाँ पर दी है गाइस। ओके, यहाँ पर ये प्रिंट थोड़ा अच्छा नहीं आया है, ये शेड्यूल ऑफ ओपनिंग यहाँ पर बीच में ही प्रिंट हुआ है गाइस। ओके, ये हमारा प्लान है, इसमें इसका पूरा प्लान हम आगे देखेंगे गाइस। तो ये पूरा बिल्डिंग एस्टिमेट है, वो आप हम वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कैसा होता है बिल्डिंग एस्टिमेट डिज़ाइन में, जो कि हर एक साइट इंजीनियर को ये बिल्डिंग का एस्टिमेट आना ही चाहिए। उसका जो भी क्वांटिटी सीट है ये आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइस, स्किप मत करना उसे, बहुत सारा कुछ सीखने को मिलेगा आपको। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है हमारा बिल्डिंग एस्टिमेशन में, अर्थक्वेक एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन। यहाँ पर आप देख सकते हो जो भी एक्सकेवेशन फाउंडेशन का, उसके बारे में हम आज देखेंगे। वहाँ पर ये जो मेजरमेंट सीट है गाइस, क्वांटिटी सीट बोलते हैं इसको, यहाँ पर नंबर्स, लेंथ, विड्थ, हाइट और क्वांटिटी और यूनिट। ओके, हमको सब यहाँ पर लिखना होता है, जो भी एक्सकेवेशन का हमारा वर्क है, जो भी या फिर कोई कौन सा भी वर्क हो हमारा, PCC, RCC, फुटिंग, बैकफिलिंग, बीम के बारे में। उसके बाद है गाइस हमारा शेड्यूल, प्लास्टर, स्लैब RCC, इसके साइड पेंट, ये सारी चीज़ें हम आज देखेंगे गाइस वन बाय वन। तो यहाँ पर आपको नंबर, लेंथ, ब्रिथ, हाइट यानी क्वांटिटी मिल जाएगी आपको, और इसका यूनिट पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बिल्डिंग एस्टिमेशन के बारे में। ये जो प्लान देख रहे हो आप, यहाँ पर जो प्लान है गाइस पूरा, इसका ये फाउंडेशन प्लान है और ऊपर वाला हमारा फर्स्ट फ्लोर प्लान है गाइस, फ्लोर प्लान है उसका। ये प्लिन बीम की ड्राइंग है हमारी, यहाँ पर देख सकते हो आप, इसके डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, जिसका जो भी एस्टिमेशन है गाइस, इसका जो भी क्वांटिटी शेड्यूल है, जो भी मेजरमेंट सीट है, वो आज हम देखेंगे गाइस डिटेल में। उसमें हर एक चीज़ हम डिस्कस करेंगे, हमारे सीलिंग प्लास्टर से लेके फाउंडेशन, एक्सकेवेशन, उसमें ब्रिक मैसोनरी होगी, उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगी सीखने को गाइस। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है गाइस आज का, एंडिंग तक देखना, मिस मत करना गाइस। हर एक सिविल इंजीनियर को ये चीज़ें आनी ही चाहिए। तो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे हमारे एस्टिमेशन के बारे में। तो फर्स्ट पॉइंट है गाइस, अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन इन अ फाउंडेशन। ये सैम्पल कॉपी आपको एस्टिमेशन के लिए गाइस, यहाँ पर आपने फुटिंग ली 1x1 मीटर की। ओके, इसकी डेप्थ फ्रॉम ग्राउंड लेवल है 0.6 + 1 + 0.6। ओके, 0.6 फॉर एक्स्ट्रा वर्किंग प्लेस। ओके, यहाँ पर जो भी डेप्थ ऑफ फुटिंग है हमारी, यहाँ पर 0.6 एक्स्ट्रा लिए गाइस। ओके, ऐसे हमारे 11 फुटिंग्स है गाइस 1x1 मीटर के। यहाँ पर उसकी लेंथ है 2.2 मीटर, विड्थ 2.2 मीटर और हाइट है 1.5 मीटर। इसका टोटल क्वान्टिटी आता है 84.12 क्यूबिक मीटर। ओके, तो इसका टोटल आता है 84 क्यूबिक मीटर। इससे आपको इसकी क्वांटिटी मिल जाएगी, आपने इसके रेट से मल्टीप्लाई किया लेबर रेट से, जो कि आप आने वाली वीडियोस में देखेंगे, तो आपको पूरा एस्टिमेशन उसका निकल सकते हो आप इजीली। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको फुटिंग की जो साइजेस है वो दिखाई देंगे। यहाँ पर आप ये सेक्शनल व्यू है गाइस, यहाँ पर आपको जो भी फुटिंग की हाइट है, यहाँ पर 0.75 0.45 इसकी हाइट है, यानी कि आपका जो भी फुटिंग का डिटेल्स है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा गाइस। ओके, तो यह हमारा सेक्शनल व्यू है गाइस, ऐसे हमारा 11 फुटिंग से। इसके बाद आपका एक
टॉप व्यू है गाइस। ओके, ये फुटिंग 2.2 मीटर है, ये यहाँ से 2.2 मीटर बाय 2.2 मीटर, ये से 3 3 3 3 प्लस 2 9 प्लस 2 11, ऐसे हमारा टोटल 11 फुटिंग है गाइस। यहाँ पर आप देख सकते हो इस एस्टिमेशन शीट में टोटल, यहाँ पर आपने यहाँ पर देखा तो एक्सकेवेशन आपको 11 फुटिंग का करना है, जो कि साइज से 2.2 मीटर बाय 2.2 मीटर और उसकी हाइट 1.5 मीटर, टोटल क्वांटिटी आती है 84.12 क्यूबिक मीटर। उसके बाद है गाइज हमारा फुटिंग का जो भी पीसीसी है, वहाँ पर हम फुटिंग 1.1 मीटर बाय 1 मीटर ऐसे 11 फुटिंग है। यहाँ पर उसका जो भी लेंथ है 1.3 मीटर बाय 1.3 मीटर और उसका पीसीसी सा थिकनेस है हमारा 75 mm, यानी कि 0.075 मीटर। ये क्वांटिटी सब मीटर में, तो आपको मीटर में ही लेना पड़ेगा गाइज। ओके, ये एक्चुअली हमारे एक्सेल सीट है। अगर आपको एक्सेल सीट चाहिए तो प्लीज़ मुझे इस कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के मेल आईडी देना आपका, या ये एक्सेल सीट आपको मिल जाएगी गाइज। ओके, आप इजीली इस्तेमाल कर सकते हो, आपको बस यहाँ पर LBH यानी कि लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, इसकी क्वांटिटी आपको एक्चुअल में कैलकुलेट होके आएगी। उसके बाद है हमारा फुटिंग पीसीसी में आता है गाइस डेप्थ, इसकी 0.15 प्लस 1 प्लस 0.15। यहाँ पर आप देख सकते हो फुटिंग पीसीसी में 0.15 प्लस 0.15, ये हमारी फुटिंग की पीसीसी है गाइस। ओके, टोटल हाइट ऑफ फुटिंग है, यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर ये 2.2 मीटर बाय 2.2 मीटर है इसका प्लान। यहाँ पर इसने सेक्शनल व्यू है हमारे 2.1 मीटर, इसके हाइट है फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू ए वाला सील मतलब छज्जा लेवल। ओके, उसके बाद है हमारा 0.45 mm मीटर, यानी कि 45 सेंटीमीटर के हमारी फुटिंग की हाइट है। उसके बाद कॉलम है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए गाइस, यहाँ पर लिखा है सब, प्लेन बीम्स, स्लैब, ब्रिक मैसनरी, लिंटर बीम्स, पैरापेट लेवल। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंडिंग तक देखना, वीडियो को आखिरी तक देखना गाइस, क्योंकि एंडिंग में मैं आपके साथ कुछ सम रूल्स डिस्कस करूँगा जो कि हमारे बिल्डिंग के बारे में इम्पोर्टेंट होगी गाइस, जो कि साइट इंजीनियर के लिए आने ही चाहिए गाइस, जो कि इम्पोर्टेंट होती है हमारे डेली वर्किंग में। तो हम एंडिंग में डिस्कस करेंगे हमारे डूअर क्वांटिटी और उसके जो भी रेट्स है उसके एनालिसिस करेंगे गाइस, उसका जो भी अमाउंट है वो आप हम एंडिंग में डिस्कस करेंगे गाइस। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, इसको एंडिंग तक देखना गाइस। एंडिंग में मैं आपके साथ कुछ थंब रूल्स डिस्कस करूँगा जो कि डूअर क्वांटिटी और रेट के बारे में होगी गाइस। तो वीडियो को सपोर्ट करो गाइस, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करो गाइस, थैंक यू। उसके बाद है गाइस हमारा फुटिंग RCC 1 मीटर बाय 1 मीटर, इसकी थिकनेस है 0.45 mm, यानी कि 45 सेंटीमीटर। ओके, यानी कि हमारा होता है हमारा 1 फीट 1.5 फीट। ओके, 45 सेंटीमीटर। इसकी जो 11 नंबर ऑफ फुटिंग है टोटल 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 40.45 फुटिंग। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, यहाँ पर आपको 4.95 कैलकुलेट होगी पूरे अमाउंट। उसके बाद एक कॉलम अप टू प्लिंथ लेवल, उसकी जो हाइट है वो चेंज होगी गाइज, यहाँ पर 1.05 मीटर है, 0.23 बाय 0.23 तक का कॉलम है हमारा, 9 इंचेस बाय 9 इंचेस का। टोटल 11 नंबर ऑफ कॉलम है एज पर आपके जो भी प्लान में है, ये प्लान आपको दिखाई देगा आपको आने वाली वीडियोस में। ओके, तो ये कॉलम की कॉलम अप टू प्लिंथ लेवल है गाइज, अप टू RCC लेवल, जिसका यूनिट हमने सभी यूनिट क्यूबिक मीटर में लिए है। यहाँ पर जो भी फुटिंग कॉलम बैक फिलिंग प्लिन बीम बैक फिलिंग, यहाँ पर आपकी जो भी हाइट है वो चेंज होने वाली है गाइज, जो भी आपके ड्राइंग के हिसाब से। ओके, ये पूरे क्वांटिटी सीट आपने ड्राइंग के हिसाब से ही बनाई है गाइज, यहाँ पर हाफ प्लान प्रिंट हुआ है, बैक साइड में हाफ प्लान है। यहाँ पर आपकी जो हाइट है 0.45, यहाँ पर देख सकते हो आप 0.45 फुटिंग की। उसके बाद अप टू प्लिंथ लेवल की हाइट है 1.05 मीटर। ओके, 1 मीटर के आसपास उसके ऊपर हमारे हाइट है गाइज, यहाँ पर देख सकते हो आप हमारे प्लिन बीम के आसपास, जो कि हाइट है 0.60। उसके बाद है हमारा 0.75 mm का जो भी स्लैब है। ओके, जो भी हमारा
फ्लोर स्लैब है उसके बारे में, ये हमारा कॉलम है फुटिंग, ये बाकी का अगला मैसनरी ब्रिक मैसनरी वर्क। उसके बाद हमारा फिफ्थ पॉइंट है गाइस बैक फिलिंग के बारे में। बैक फिलिंग इन द फुटिंग एक्सकैवेशन एरिया, उसमें डिडक्शन करने पड़ता है हमारा पीसीसी वर्क जो किया है, आरसीसी, उसके बाद फुटिंग कॉलम का। अगर आपको बैक फिलिंग करना है तो आपको एक्चुअली में वो तो डिडक्शन करना पड़ेगा, ये वाला फुटिंग पीसीसी, आरसीसी और फुटिंग कॉलम, यानी कि पहले जो तीन है वो आपको डिडक्शन करने पड़ेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो 1.39, यहाँ पर जो 1.39 पीसीसी का है, आरसीसी का 4.595 यहाँ पर लिखा है, उसके बाद 0.61 यानी कि 0.61 कॉलम अप टू प्लिंथ लेवल, उसका जो भी क्वांटिटी वो आपको टोटल क्वांटिटी से माइनस करना पड़ेगी, वहीं पर आपको पूरा बैक फिलिंग का क्वांटिटी वो आपको मिल जाएगा जो कि आता है हमारा 77.15। तो आपको समझ में आया है पूरा कैलकुलेट करने का एरिया, उसके बाद आपको ये तीनों फैक्टर माइनस करने के वहाँ से। तो बैक फिलिंग आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ पर, जो भी आपका फाउंडेशन प्लान है एक्सकैवेशन के बाद आपको जो भी डिडक्शन करने हैं वहाँ पर, उस क्वांटिटी से आपको माइनस करने पड़ेंगे, जो कि यहाँ पर आपने एक्चुअल में एक्सेल शीट में आपने एक क्वांटिटी तो निकाली होगी, यहाँ पर सिर्फ आपको एक क्वांटिटी निकाल कर आपको 1, 2, 3 यानी कि आपको फिफ्थ ने से 1, 2, 3 है 1, 2, 3 पार्ट्स माइनस करने गए। यहाँ पर आप देख सकते हो 1 में से आपको 2, 3, 4 माइनस करना है तो आपको फिफ्थ मिल जाएगा इजीली, जिसको आप कह सकते हो बैक फिलिंग की क्वांटिटी आपको इजीली मिल जाएगी गाइज। जैसे कि 84 में से ए ए और ए माइनस किया तो आपको आ जाएगी क्वांटिटी बैक फिलिंग की 77 क्यूबिक मीटर में। उसके बाद गाइज प्लिंथ बीम बैक फिलिंग, प्लिंथ बीम बैक फिलिंग में आपको करना क्या है गाइज, उसका एरिया निकलना है प्लिंथ बीम प्लिंथ एरिया आउट टू आउट। यहाँ पर आपने देख सकते हो 10 LBH, ओके इसका जो भी डेप्थ है यहाँ पर 2 फीट का बीम लिया है यहाँ पर 60 सेंटीमीटर, उसकी क्वांटिटी 47.25। यहाँ पर आपको डिडक्शन करना है L1, L2, L3, L4 एंड L5, ओके तो आपको ये L1, L2, L3, L4 यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, जो कि आप देख सकते हो प्लान में इसमें, ओके यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस जो कि हमारा प्लिन बीम है यहाँ पर प्लिन बीम, और जो भी उसकी क्वांटिटी माइनस करनी है आपको, हम प्लान में इसे पूरी डिटेल में देखेंगे गाइस। यहाँ पर आपको अगर प्लिन बीम बैक फिलिंग का एरिया निकालना है तो गाइस आप एस्टिमेशन शीट में क्वांटिटी प्लान में देख सकते हो हमारे फाउंडेशन प्लान में, जो कि यहाँ पर आपको एरिया प्लिन टू प्लिन जो कि आउटर एरिया आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा पूरा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ओके इसके अगर बैक फिलिंग करनी है आपको पूरी तो यहाँ से हर एक बीम की लेंथ आपको माइनस करनी पड़ेगी, ओके हर एक बीम यानी कि ए टोटल हो गए हमारे 4 बीम्स और ए 3 बीम्स हमारे, और उसके बाद 1, 2, 3 ये 4, 3 बीम्स हमारे कंटिन्यू में, तो ये सारी लेंथ आपको माइनस करनी पड़ेगी, तो आपको ए पूरा एक्चुअल में एरिया मिल जाएगा बीच में का, इसे बोलते हैं हम प्लिंथ बीम बैक फिलिंग। ये आपको एरिया कैलकुलेट करने को मिलेगा यहाँ पर, जो कि हमने माइनस किया है लेंथ जो कि ए नंबर से, यहाँ पर नंबर और लेंथ कैलकुलेट करके हमने वो माइनस करके लिया है। आई होप आपको ये बैक फिलिंग के बारे में पता होना चाहिए, जो कि जो क्वांटिटी आपको माइनस करनी पड़ रही हो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पर आपने देख सकते हो यहाँ पर आप प्लेन बीम बैक फिलिंग में आपको जो भी बीम्स के जो भी डिडक्शन किए वो डिडक्ट करके आपको वो बैक फिलिंग मिल जाएगी गाइज। यहाँ पर आपकी उसकी क्वांटिटी आती है 39.17 ए डिडक्शन की क्वांटिटी, ओके 5A एंड 5B, यहाँ पर 5A एंड 5B यानी कि बैक फिलिंग इन फुटिंग एंड बैक फिलिंग इन अ प्लेन बीम की इन्होंने एडिशन की है 77 और ए 39, उसका टोटल आता है हमारा 116.33 क्यूबिक मीटर में। अगर आपने इसे रेट से मल्टीप्लाई किया, जो भी लेबर का रेट है और मटेरियल जो भी लगता है उसकी क्वांटिटी निकाली, तो आपको इसका पूरा एस्टिमेशन शीट मिल जाएगा गाइज। उसके बाद है गाइज हमारा प्लिंथ बीम आरसीसी के बारे में।
जो भी हमारी क्वांटिटी निकालनी है गाइस, जो हमारी बीम साइज है 230 बाय 600 mm, ओके, उसके जो भी नंबर से टोटल नंबर्स आप देख सकते हो प्लान में, उसके बाद उसकी लेंथ निकालनी है, ब्रेड मालूम है ना, हाइट बीम्स की, उसकी क्वांटिटी आप इजीली निकाल सकते हो प्लेन बीम आरसीसी में। यहाँ पर आपको प्लान मिल जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर उसके बाद जो भी डिडक्शन है प्लेन बीम आरसीसी का, वो आपको कैलकुलेट करना है गाइस। इसमें डिडक्शन नहीं आएगा, बस आपको प्लेन बीम की क्वांटिटी निकालनी आनी चाहिए गाइस, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये बीम्स की क्वांटिटी निकालनी है आपकी, टोटल बीम्स की जितनी है उसकी क्वांटिटी आप इजीली निकाल सकते हो गाइस। एक्चुअल में है हमारी एक्सेल सीट है गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो, इसमें हर एक क्वांटिटी आपको इजी वे में निकाल के मिल जाएगी गाइस। अगर इसका प्लान देखा जाए तो ये हमारा पूरा प्लान है गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो किचन, डब्ल्यूसी, ड्राइंग, पैसेज और इसका ये एलिवेशन है गाइस। यहाँ पर आप हर एक चीज़ यहाँ पर देख सकते हो, ये प्लेन बीम की ड्राइंग है गाइस। यहाँ पर हर एक L1, L2 जो भी ये स्लैब है, उसके बाद S1, S2, S3, उसके बाद ये हमारा प्लेन बीम और स्लैब की दोनों ड्राइंग आप इजी वे में देख सकते हो। ये हमारा फाउंडेशन प्लान है और ऊपर वाला एलिवेशन है गाइस। उसके बाद ये हमारे रूम की साइज से यहाँ पर आप इजी वे में देख सकते हो गाइस। ये पूरे एक्सेल सीट चाहिए तो आप कमेंट में अपना मेल आईडी देना, आपको मैं आप फॉरवर्ड कर दूंगा ये एक्सेल सीट। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करो गाइज, ओके। और आपने हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हो गाइज, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, ओके। वहाँ पर आपको हर एक जॉब के रिलेटेड अपडेट मिल जाएगी, वहाँ पर आपको ई बुक्स मिल जाएगा आपकी स्टडी के रिगार्डिंग, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको, डेली अपडेट्स वहाँ पर टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को मिल जाएगी गाइज। तो वीडियो बहुत ही बड़ा हो रहा है, इसलिए हम आगे वाले पार्ट्स में कन्वर्ट करेंगे, हमारे जो भी अगले आने वाले टाइप से उस क्वांटिटी शीट में, तो इसका अगला पार्ट देखने मिस मत करना गाइज, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तब तक के लिए वीडियो को सपोर्ट करना, लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना गाइज। हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेडिंग माइंडसेट, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट चैनल फॉर स्टॉक मार्केट। अगर आप ट्रेडिंग में, शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड हो, अगर आपको शेयर मार्केट में बारे में कुछ भी जानना हो, तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी है गाइस। अगर आप अपना शेयर मार्केट में अपना सेकेंडरी इनकम सोर्स बनाना चाहते हो शेयर मार्केट को, तो आप हमारा चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा गाइस, ट्रेडिंग माइंडसेट। अगर अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया, तो हमारे लिंक से आप वो डीमैट अकाउंट फ्रीली ओपन कर सकते हो गाइस, जिसका कोई कोई भी चार्जेस आपको नहीं लगेगी और लाइफ टाइम के लिए आपको वो फ्री में मिलेगा गाइस। चाहे तो आप एंजल ब्रोकिंग का कर लो, या फिर जीरोधा, या फिर अपस्टॉक का कर लो, तीनों ही बेस्ट ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म है गाइस। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, उस लिंक से आपने अकाउंट ओपन किया तो आपको हमारा VIP मेंबरशिप मिलेगा ग्रुप का ट्रेडिंग माइंडसेट के लिए। बस आपको उसका स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप पे डालना होगा, मैं आपको VIP मेंबरशिप में ग्रुप में आपको ज्वाइन कर लूँगा गाइस। थैंक यू, ज्वाइन करो हमारे चैनल को ट्रेडिंग माइंडसेट, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो गाइस, मेरा एक कंस्ट्रक्शन फर्म भी है, ड्रीम होम्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। अगर आपको कोई 3D एलिवेशन चाहिए, 3D प्लान चाहिए, या फिर आपको बिल्डिंग का कोई भी RCC डिज़ाइन के रिलेटेड कोई भी वर्किंग चाहिए, एस्टिमेशन, प्लानिंग, शेड्यूलिंग, उसके बाद क्वांटिटी सर्वे का कोई भी वर्क हो, तो मुझे आप फ्रीली कॉल कर सकते हो गाइस। अगर आपको आर्किटेक्चर ड्राइंग चाहिए, प्लानिंग चाहिए, उसके बाद उसका जो कोई भी इंटीरियर वर्क हो आपके घर का या फिर आपके फ्रेंड्स का, तो
तो मुझे फ्रीली आप कॉल कर सकते हो गाइस। अगर आपको कोई भी RCC के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो मुझे फ्रीली कॉल करना गाइस। आप चाहे तो मेरा कांटेक्ट नंबर और मेरी जो भी कांटेक्ट डिटेल यहाँ पर दी है मैंने। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बुक्स बाय करना हो तो आप मेरा लिंक का यूज़ कर सकते हो। मेरा लिंक का यूज़ करके आप बाय कर सकते हो आपका जो भी बुक्स आपको बाय करने हो। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी है गाइस, जो कि आप USC गेट का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर SSC JEE का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आपके साइट इंजीनियर के लिए जो भी हैंडबुक है, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है गाइस। अगर आपको ये बुक चाहिए तो आप हमारे लिंक से बाय कर लो गाइस। यहाँ पर आर आगर का MCQ टाइप बुक है, वो बहुत ही अच्छा बुक है गाइस। और बहुत सारे अच्छे अच्छे बुक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए है गाइस, अगर आप चाहो तो उसे बाय कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, मैंने कहा था वीडियो को एंडिंग तक देखना, क्योंकि एंडिंग में मैं आपके साथ कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट और समरोस डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि हमारे डू और क्वांटिटी के बारे में हुए गाइस। आपको डू और विंडो शेड्यूल मिलेगा गाइस ड्राइंग में, ओके। जिसे आपको हर एक डायमेंशन आपको डू और शेड्यूल आपको बनाना पड़ेगा, उसकी फ्रेम, उसका मेन डूअर कितने हो आपको कैलकुलेट करने पड़ेगा, जो कि हमारे हाई राइज बिल्डिंग में हमारे टोटल फ्लैट से गाइज, टोटल हमारे 2 BHK फ्लैट से, वो हमारे टोटल फ्लैट से 65 1 BHK और 2 BHK के लिए, ओके 1 BHK और 2 BHK के लिए टोटल 65 फ्लैट है। इसके लिए आपको मेन डूअर हो गए 65, ओके। तो इसका जो भी रेट है आप देख सकते हैं यहाँ पर, आज साइट इंजीनियर ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए गाइस, जो कि आपको मेन डोर फ्रेम टोटल फ्लैट जितने उतने लगेंगे। आपको बेडरूम फ्रेम लगेगी गाइस 108, उसके बाद आपको बेडरूम के डोर फ्रेम है, फ्रेम और जो भी डोर है उसका अलग अलग रहता है गाइस, फ्रेम अलग होती है और डोर अलग होता है, ओके। उसके बाद बाथरूम और टेरेस के फ्लोर के उसका टोटल होता है 195। उसके जो साइजेस है गाइज 3.33 मीटर बाय 7.5 फीट, यहाँ पर फीट में है गाइज, 3 फीट बाय 7 फीट, 7.33 फीट बाय। ये एक्चुअल जो साइट वर्किंग होता है आपको वहाँ पर विंडोज़ और डोर का शेड्यूल जो भी साइज है वहाँ एक्चुअल साइट पे आपको मेजर करना पड़ेगा गाइज, रनिंग फीट में कितना होता है गाइज, तो आपको रनिंग फिट में इसका रेट देना पड़ेगा गाइस, जो कि 150, 120, 170 के आसपास होगा। यहाँ पर आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की है गाइस, यहाँ पर डोर और फ्रेम के जो रेट है गाइस, यहाँ पर आपको जो भी लोकल एरिया है यहाँ पर महाराष्ट्र के ये रेट है गाइस, ओके MH के लिए। आप अगर आप अलग स्टेट से तो आपको ये रेट थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा इसमें, और क्वालिटी के ऊपर ही डिपेंड है आपका। अगर क्वालिटी उसने बढ़ा दी तो आपको क्वालिटी अच्छी चाहिए तो उसको रेट भी अच्छे देने पड़ेंगे गाइस, ओके। क्वालिटी के ऊपर भी ये रेट डिपेंड है गाइस। तो ये जो रेट से गाइस रनिंग फिट अपना जो भी 3.3 फीट इंटू 7.4, इसका रनिंग फिट आ जाएगा 17.84, ओके। एज पर साइट आ जाएगा इसका 11.59, जो कि 65 नंबर से डूअर्स के इसका इसने आपको मल्टीप्लाई किया तो आपको आ जाएगा 11.59 रनिंग फीट, तो इसका रेट है 150 वो आपको। तो गाइज, आज के इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको कैसी लगी? आपको ये जो विंडोज़ और डोर का फ्रेम और रेट शेड्यूल हो गया, यहाँ पर आपको अलग अलग रेट में अलग अलग चीज़ें मिलेगी गाइज। यहाँ पर आप विंडोज़ मेन डोर के फ्रेम देखोगे तो इसका जो रेट है गाइज 150 है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे तो इसका जो भी कोटेशन है या फिर जो भी रेट है एजेंसी आपको कम कर सकती है गाइज, वो आपके ऊपर होता है गाइज, बिल्डर के ऊपर होता है कि कौन सा वर्क किस कंपनी को देना है गाइज, किस कॉन्ट्रेक्टर को कौन सा वर्क देना है। बेडरूम फ्रेम का रेट है गाइज रनिंग फेयर फिट में 120, मेन डोर का रेट है 170, उसके बाद बेडरूम डोर का रेट है 165, बाथरूम और टेरेस डोर का रेट है 190,
और डोर मोल्डिंग का रेट है 600, यानी कि आप अगर मोल्डिंग करते हो इसमें ग्रेनाइट में तो आपको अलग से रेट देना पड़ेगा गाइस। 151 टोटल रनिंग फीट आता है, 16.18 टोटल रनिंग फीट इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा टोटल एज पर बिल ऑफ क्वांटिटीज। तो ये रेट आपको देने हैं गाइस, ये पूरा एस्टिमेट है गाइस। आपने यहाँ पर एक चीज़ ऑब्जर्व की, यहाँ पर आप यहाँ पर लिखा है जो एजेंसी है हमारी, यहाँ पर लिखा है टोटल क्वांटिटी एज पर साइट क्वांटिटी यानी एज पर बिल क्वांटिटी। यहाँ पर कुछ डिफरेंस है गाइस, यहाँ पर 1890, यहाँ पर 50 का डिफरेंस है, यहाँ पर कुछ डिफरेंस है, यहाँ पर कम क्वांटिटी आई है बिलिंग में, यहाँ पर ज़्यादा आई, ये सब क्यों गाइस। यहाँ पर जो भी रेट्स है वो तो आपको रनिंग फिट में ही देने हैं, ओके, जिसकी क्वांटिटी आप इजीली देख सकते हो। यहाँ पर ये यूनिट से ये रेट से मल्टीप्लाई किया तो आपको एक टोटल क्वांटिटी मिल जाएगी, और रेट से मल्टीप्लाई किया तो आपको इनटू ए इसका पूरा एस्टिमेट मिल जाएगा गाइस इजी वे में। बट आपको ए बिल क्वांटिटी जो भी आपका फाइनल डिज़ाइन है उसके ऊपर वो बिल क्वांटिटी बनाई है गाइस, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है आज के वीडियो की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करो गाइस, ओके। बहुत ही यूनिक चैनल है गाइस, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगी गाइस। आप अपना घर डिज़ाइन कर सकते हो, G+2 स्टोरी बिल्डिंग या फिर G+2 स्टोरी हमारा जो भी बंगलोज है वो आप इंडिपेंडेंटली डिज़ाइन कर सकते हो गाइस हमारे वीडियोज़ देख करके, ओके। सब डिज़ाइन, ड्राइंग, प्लम्बिंग डिटेल्स, उसके बाद एस्टिमेशन, इलेक्ट्रिकल मटेरियल, उसके बारे में हमने बेसिक से लेके एडवांस से एडवांस तक आपने हर एक चीज़ डिस्कस की है गाइस। अगर आप चाहे तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा हर एक वीडियोस। तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना गाइस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। तो फ्रेंड्स, ये हमारी प्लेलिस्ट है, आप चाहे तो इसे देख सकते हो हमारे चैनल पे। इसमें हमने सब कुछ डिस्कस किया है, हमारे फाउंडेशन प्लान से लेके हमारे टेरेस प्लान तक हर एक चीज़ हमने वहाँ पर डिस्कस की है। ये वीडियोस आप चाहे तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, हर एक शॉर्ट्स वीडियो भी बनाए हमने इसके ऊपर। टोटल 1000+ वीडियो है गाइस, आप चाहे तो इसे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। हमने ऑटोकैड की पूरी सीरीज बनाई है, सब ड्राइंग आपको वहाँ पर डिटेल में डिस्कस किए हमने। उसके बाद आपने ई टेंडरिंग के ऊपर भी बहुत सारे वीडियोस बनाए गाइस, ई टेंडरिंग सिस्टम, GR, ई टेंडरिंग के लिए अप्लाई कैसे करना है, वो बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे गाइस। आप चाहे तो उसे प्लेलिस्ट में जाके देख लेना गाइस। तो फ्रेंड्स, आपके घर में कोई अगर वाटर प्रूफिंग के लिए ज़रूरत हो तो आप यूज़ डॉक्टर फिक्सिट का यूज़ कर सकते हो गाइस, वन ऑफ द बेस्ट जो भी वाटर प्रूफिंग का सॉल्यूशन है गाइस, वो आप मेरे लिंक से बाय कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इसकी लिंक दी है गाइस, अगर आप चाहो तो उसे अच्छे ऑफर के साथ बाय कर सकते हो गाइस। मल्टीपर्पज़ यूज़ भी हो सकता है इसका, बहुत ही अच्छे रिव्यूज़ है गाइस इसके, अगर आप चाहो तो बाय कर सकते हो। उसके साथ साथ आपको एक साइट इंजीनियर के लिए जो भी मेजरिंग टेप की ज़रूरत होती है गाइस, तो बहुत ही बढ़िया ऑफर शुरू है गाइस, अच्छे डिस्काउंट के साथ। अगर ये टेप आपको चाहिए तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है गाइस, अगर आप चाहो तो उसे बाय कर सकते हो। हेलो गाइस, वेलकम टू सिविल डिज़ाइन, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट चैनल फॉर सिविल इंजीनियर्स। ये हमारी हाई राइज बिल्डिंग है गाइस, जो कि पार्किंग प्लस 15 स्टोरी बिल्डिंग है हमारी। अगर इसका आपको RCC डिज़ाइन चाहिए, प्लान फ्रॉम प्लिंथ लेवल टू टेरेस लेवल, अगर आपको इसका आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल प्लान देखना है एज अ स्टडी पर्पज कैसे होता है, इसका कॉलम डिटेलिंग और बीम का शेड्यूल आपको जानना है, तो आने वाले वीडियोस में उसके ऊपर बनाऊंगा गाइस। तब तक के लिए इस वीडियो को 100 लाइक्स तो मिलने चाहिए गाइस।
इसका जो वर्किंग ड्राइंग है, सबमिशन ड्राइंग है, एज अ स्टडी पर्पज़ आपको चाहिए तो मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। पर इस वीडियो को 100 लाइक्स आने चाहिए गाइस, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें गाइस। थैंक यू।